नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भारत सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक अगले 3 महीनों के दौरान इस विपत्ति की वजह से खाद्यान्नों की अनुबंधता तथा उपलब्धता के कारण किसी भी विशेषकर गरीब परिवार, मजदूर परिवार तथा महिलाओं को कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को यानी भारत की 2/3 आबादी को इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा अनाज भी मुफ्त दिया जाएगा। प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दालें भी मुफ्त दी जाएगी। 2020-21 के लिए 2000 रुपये की किस्त अप्रैल 2020 में ही पीएम किसान योजना के अंतर्गत खाते में डाल दी जाएगी, जिसका लाभ 7 करोड़ किसानों को मिलेगा। इसके अलावा गरीबों की भी मदद की जाएगी। 40 करोड़ PMJDY यानी महिला खाताधारकों को अगले 3 महीनों के दौरान 500 रुपये अनुग्रह राशि दी जाएगी। 8 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, COVID-19 की वजह से उत्पन्न हुए आर्थिक व्यवधान के कारण असुरक्षित तथा बेसहारा वृद्ध विधवाओं, दिव्यांग श्रेणी के लोगों को इन 3 महीनों के दौरान 1000 रुपये अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी तथा मनरेगा जैसे लोगों को, श्रमिकों को सालाना 2000 रुपये का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं को कोलेट्रल मुक्त ऋण तथा उसकी सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। भवन निर्माण में कार्यरत लोगों को भी मिलेगा लाभ। कुछ लोगों के खातों में पैसे आ भी चुके हैं और इसके लिए बैंकों में अलग अलग गांव के अंदर अलग अलग शहरों में कतारें लगी हैं। कुछ लोग ये जानने के लिए आते हैं कि उनके खाते में पैसे आए हैं या नहीं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 500 रुपये, तो कुछ लोगों ने कहा है कि 1000 रुपये उनके खाते में आए हैं, कुछ ने 2000 रुपये आने की बात कही है। आइए देखते हैं और जानते हैं, करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो सरकार ने अभी घोषणा की थी कोरोना के दौरान लॉकडाउन चल रहा है और कि भी सभी परिवारों को या जिनका जनधन खाता है उसके अंदर पैसे दिए जाएंगे, पैसे आएंगे सरकार की तरफ से, क्या अभी कोई पैसे आए हैं आपके खाते में? गरीब आदमी है कि सारो मिल जाए, कुछ है चीनी है गुड़ है सारा है भी थोड़ा बहुत मिल ही गया है वो ही वास्ते है। अच्छा, सरकार ने ठीक ही काम कर रखे। नहीं तो आपके खाते में आए हैं कि नहीं आए अभी? नहीं, अभी संभाले भी नहीं, मैं तो देखा कौन। अच्छा, कॉपी चेक करवाई कोनी? आया तो ठीक है अभी। नहीं, आपकी जानकारी में हो भी कितने लोगों के पास पैसे आए हैं अभी? हाँ। कोई है ध्यान? है भाई, लगभग आधे गांव में आ रहे हैं। आधे गांव में पैसे आ गए? मैं देखी है आधे गांव में रुपया मेरे बेसारा है, कोई 500 रुपये किसी ने डाल दिया। ठीक है, के नाम है जी थारो? आ जाओ बिंदा। जनधन खाता में पैसा आया के थारा? अच्छा, तो थे अब कौन सा पैसा कटवाने खातर आया हो? पेंशन? अच्छा, कोई और जो यहाँ पर लोग आए हैं उन्होंने बताया है कि भी किसी के खाते में पैसे आए हैं? हाँ जी, नहीं सुविधा नहीं, जो सरकार ने अभी घोषणा की, नहीं सरकार ने घोषणा की थी कि भी अभी जो जनधन खाते हैं उनमें पैसे आए नहीं आए, लेकिन अभी कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भी आए हैं। किसी के आए, किसी के नहीं आए। अच्छा, किसी के आए हैं? लोग हैं उनके आए, वैसे नहीं आए। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा, सरकार ने अभी घोषणा की थी कि कोरोना के दौरान सरकार जो है खातों में जो जनधन खाते हैं या परिवार समृद्धि जो खाते बने हुए हैं योजना के अंतर्गत, उसमें 500 रुपये, 1000 रुपये और अलग अलग पैसे आएंगे, क्या आए हैं आपके खातों में कोई पैसे? हाँ जी, आए हैं हमारे खाते में, आए हैं जो किसी के 1000 रुपये आए हैं, किसी के 500 आए हैं, और उसी से भी फायदा ऐसा है कि भी कोई गरीब आदमी है, कोई और है तो आपका अन्नदाना और भी जो कुछ आपकी ज़रूरतमंद चीज़ है तो उससे ले जाती है। हाँ, इसका फ़ायदा होगा? हाँ, इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, सरकार ने ये जो घोषणा की है कितनी फ़ायदेमंद है लोगों के लिए? बहुत है ये फायदेमंद, तो इससे यह है कि भी कोई गरीब आदमी बाहर तो जा नहीं सकता जी, तो भी ऐसा है कि भी और
बैंक में से जाकर आपका जितने पैसे हैं वो ले आकर अपना सामान और बंदोबस्त तो कर सकते हैं। जी, क्या नाम आपका? गिरदावरी। अच्छा, ये जो सरकार ने अभी घोषणा की थी कि कोरोना के दौरान जनधन खातों के अंदर पैसे आएंगे, आपके खाते में आए हैं पैसे? आपके खाते में पैसे आए हैं? कौन आए? मेरे नहीं आए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीराम है। अच्छा राजीराम जी, आप ये बताइए कि कई सरकार ने अभी घोषणा की थी कि जो मजदूर लोग हैं, जनधन वाले खाते हैं और परिवार समृद्धि योजना जो है उसके अंतर्गत पैसे आएंगे, क्योंकि आप अभी देखा कि भी सेवा कर रहे हो कोरोना के दौरान जी, तो बताइए किन किन के खातों में पैसे आए हैं? ऐसे है जी, एक तो जो जनधन खाते हैं जो औरतों के जी, माताओं बहनों के, हाँ जी हाँ जी, उनके खातों में जनधन के पैसे आए हुए हैं। अच्छा, और एक बुढ़ापा पेंशन आई हुई है, विधवा पेंशन आई हुई है जी, और बुढ़ापा पेंशन और बच्चों वो के तो... पैसे जो मिलते हैं स्कूल में वो पैसे आए हुए हैं, किसान निधि के पैसे आए हुए हैं कईयों के, और कईयों के नहीं आए हैं। अच्छा, नहीं, सरकार ने जो अतिरिक्त घोषणा की थी कि भी जो कोरोना के दौरान जो लोग घर पर बैठे हैं, मजदूर हैं, और उनको सहायतार्थ जो है पैसे 4500 रुपये बताए जा रहे हैं, 6000 रुपये बताए जा रहे हैं, और 500 हज़ार रुपये की भी घोषणा की गई थी, क्या उनमें से अतिरिक्त पैसे आए हैं कोई? उनमें से कईयों के आए हैं, कईयों के नहीं आए, दोनों बातें हैं। अच्छा, ये तो बैंक बताता है पूरी डिटेल तो, लेकिन हम तो जो है वो तो सेवा कर रहे हैं यहाँ से बोतल भर के और अंदर पहुँचाते हैं। नहीं, आप सरकारी सरकार की तरफ से लगे हुए हैं? नहीं, नहीं 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 नहीं, हम तो सेवा 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 भावना से लगे हुए हैं, और इसलिए लगे हुए हैं हमारे खेतों में कणक की जो फसल है वो पक्के तैयार हुई है जी, हम खेतों में नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि जो बैंक है वो उनका स्टाफ है थोड़ा थोड़ा है, तो वो बोतल भरना, कॉपी चेक करना, गांव वालों की सहायता कर रहे हैं, बिल्कुल सेवा सेवा भावना से लगे हुए हैं हम तो जी। कितने लोग काम कर रहे हैं? नहीं जाते हैं, हम यही काम करते हैं जी, बिल्कुल, यहाँ हम 3-4 और हैं भाई जी, और मैं हूँ, कई दिनों से ये सेवा चल रही है हमारी जी। पहले हम यहाँ से पहले लंगर सेवा चलाते हैं सुबह सुबह। अच्छा अच्छा, लंगर सेवा भूखों को 1070 का एक दिन 800। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अगर भीड़ हो जाती है बैंक के अंदर, भीड़ हो जाती है तो टूट जाती है, लेकिन फिर भी हम बार बार ये कहते रहते हैं, सैनिटाइज करते रहते हैं। पुलिस आती है मौके पे? पुलिस कभी 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 आती है, गांव में आती है, बैंक में अभी तक नहीं आई है। ठीक है, शुक्रिया। हाँ जी, सरकार ने जो घोषणा की है, क्या नाम है आपका? अमीलाल जी। अमीलाल जी, जो बैंक में लोग आ रहे हैं, आपको पता लगा होगा भी कुछ पैसे आए हैं उनके खातों में? कोई कह रहा है जी, कोई किसी को तो आया, किसी को नहीं आया, ऐसे अभी चल रहा था। अच्छा, बैंक के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ख्याल रखते हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कैसे उनका ध्यान रखना पड़ता है? एक एक आदमी अंदर जाने देते हैं आप? एक आदमी अंदर जी। तो अचानक अगर यहाँ भीड़ हो जाती है तो? नहीं जी, हम दूर दूर कर देते हैं। अच्छा, आप लोग ख्याल रखते हैं? हाँ जी। पुलिस आती है यहाँ पर? आती है। हाँ जी, माता जी, क्या नाम है आपका? नाम जननी। अच्छा, ये देवी नाम है। जी, कोरोना के दौरान जो सरकार ने घोषणा की थी कि भी किसी को 500 हज़ार अलग अलग योजना के अंतर्गत और अलग अलग खातों में अलग अलग पैसे आने थे, आपके खाते में आए हैं कोई पैसे? हाँ, मेरे खाते में आया, रोजगारी के खाते में आया 500। रोजगार वाले जो खाते में, वो अलग से है आपका? वो है। अच्छा, उसमें कितने आए हैं? 500 रुपये में 2200 आए। अच्छा, 2200 अलग आए हैं और 500, वो 2200 तो पेंशन वाले होंगे? हाँ, भाई आए। अच्छा, 500 अलग आए हैं? हाँ, अलग आए। अच्छा, एक बात बताइए कि जिन लोगों के खातों में पैसे आ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो गरीब मजदूर हैं, तो इसका कितना लाभ होगा लोगों को? मन तो लाभ है भाई, गरीब आदमी है। हाँ, रोजगार जी, तो मतलब इस पैसे से कुछ ना कुछ सहारा मिलेगा? सहारा तो मिला देते, बहुत ही अच्छा है जी। अपना तो भाई सही आया जी। हाँ जी, नमस्कार जी। ये जो सरकार ने घोषणा की थी कि पैसे जो है जनधन खाते वाले हैं और जीरो पॉइंट वाले खाते हैं उनमें पैसे आएंगे, आपके आए हैं पैसे? आए जी।
अच्छा अच्छा, ये एक बात बताइए कि सरकार ने ये घोषणा की है, इसका कितना फायदा होगा? बढ़िया जी, फायदा करिए। हाँ हाँ, तो जैसे आप पहले पैसे लेके जाते थे और उसमें अगर 500 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं या 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो इसका लाभ आप मानते हैं कि भी सरकार का ये निर्णय ठीक है? हाँ, ठीक है जी। कितने लोगों के आए होंगे पैसे? कितने लोगों का? कई घना ही कटा ले गया, कई कैमरा निकलिया को आया को नहीं। अच्छा, कुछ लोगों के आए और कुछ लोगों के नहीं आए। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपके कितने पैसे आए हैं? कॉल में तो 2000 कटा के ले गया है। अच्छा अच्छा, कुछ सिलेंडर का करके 4000 कटा के ले गया। ठीक है। एक कॉफी है जीरो, इसमें 1000 की। 1000 रुपये आ रहे हैं? हाँ ठीक है।